अबे सांड तू ऐसे क्या देख रहा है भाई, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। राजकुमार चल। हम भी चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं। अरे ऐसी धमकियां हम हजार बार सुन चुके हैं, 50 गांव के लोग साथ हैं। अरे शिवराज चीज क्या है, इस धंधे में हम उसके बाप लगते हैं बाप। गिल्लाटी माफी सर जी। चाचा जी आपने बुलाया? बेटा तुमने खाना खाया? नहीं, ना कर खा लूंगी। खा लेना टाइम से। हाँ इसे कैसे मार सकते हैं? ये ले, तू बात कर। साला चुप उल्लू का पट्टा। हेलो, परमार को मारने के लिए ये समय उचित नहीं है, समझे? वापस आ जाओ, कल भियो जी तुझसे बात करेंगे। भियो जी ने परमार को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। ये है मेरे प्यार का पावर। बिजली भी ना, मैंने तुझे ऊपर से बिना कपड़ों के देखा, अब तूने भी देख लिया, अब हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। चुपचाप यहां से चले जाओ वरना। गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। ए, 3 तक गिनूंगी मैं, तुम नहीं गए तो चिल्लाऊंगी। देखो मैं 3 तक गिनूंगी और चिल्लाऊंगी। मुझे पता था तू नहीं चिल्लाएगी। बीबी जी, बीबी जी, ये ठीक है जी। अच्छा मैं जनरेटर चालू करता हूं। तू मुझसे नफरत करती है ना? कल तू मुझसे मिलने आएगी शिव मंदिर पे सुबह 8 बजे। अगर 5 मिनट भी लेट हुई तो मैं चला जाऊंगा, आगे तेरी मर्जी।
आपको ऐसी अंग्रेजी सिखाएंगे कि चंदा आप चांदनी बन जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए, शुरू करें। ए किसको बोला? वो वाला ए नहीं भैया जी, ए फॉर एप्पल वाला ए। अरे 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 मास्टर जी, ये सब तो इनको आता है, चार जमात पढ़े हैं। इतनी अंग्रेजी तो हम भी जानते हैं, थोड़ा बोलने में हाथ तंग है मास्टर। क्या बोला? बास्टर्ड मतलब बड़ा स्टर्ड, वो मर्द जो गांव की एक भी लड़की को ना छोड़े। तब तो हमारे भियो जी बहुत बड़े बास्टर्ड हैं। अरे मास्टर जी, तुम सबसे पहले इनको अंग्रेजी में शेर शायरी सिखाओ। इनको तो एक साल लगेगा ना, एक महीना, एक दिन, एक घंटा। बुलशिट मतलब? बुलशिट शायरी का शीर्षक है, बुलशिट। तो अपनी बुलशिट शायरी इनको सुनाओ ना। हाँ। लड़का लड़की से कहता है, ओहो, लड़का लड़की से कहता है कि आई एम योर बुल एंड यू आर द शिट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इफ वी कम टुगेदर वी बिकम बुलशिट। शायरी थोड़ी बदबूदार है लेकिन अच्छी है। आप बोलिए ना। हाँ बोलिए भैया जी। यू आर माई बुल। बुल नहीं, बुल। I am your bull, you are my sheep. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। We together, bull sheep. I am your bull, you are my sheep. We together, bull sheep. सब लोग। तोड़ फोड़ उछल कूद डांस है, कीजिए भैया जी कीजिए। ये सब नहीं चलेगा। प्रभु देवा है ना, जितना वो डांस करता उतना सिखा दे, काम चलाएंगे। ऐसा डांस तो भैया जी 10 जन्म में भी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ डांस बाबू तुम क्या सोच रहे हो, मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन अगर जिंदगी में आगे डांस करना चाहते हो तो भियो जी को डांस सिखा दो। शुरू। अरे ये सॉन्ग है, इस डांस के लिए तो साथ में एक लड़की चाहिए। मुझे बुलाए भियो जी। आ गई छिछोरी। लड़खड़ाने लगी, मुस्कुराने लगी, बेवजह हर जगह आने जाने लगी। बहुत शैतान हो भैया जी, मुझ पर जान बुझ कर गिर गया ना। इस घर की औरत से जल्दी दूर हटिए भैया जी, ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। वेलकम सर, वेलकम सर। सर हमें बहुत खुशी है कि आपने अपनी शादी की खरीदारी के लिए हमारी दुकान को चुना। कितना सोना तनूर आपने बनाया, जी करे देखता। सॉरी सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अपनी दुकान की सबसे बढ़िया और सबसे कीमती साड़ी दिखा। आइए आइए सर, आइए। ये देखिए, अच्छी है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में काले बादल की तरह क्यों मंडरा रहे हो? चलिए ना। बिंदु उधर तुम्हें कुछ साड़ियां दिखाई। सुनिए मुझे भी एक साड़ी दे दो। क्या 10 दिला दूं? अरे तुमको साड़ी पहनने की आवश्यकता है क्या? मैं खुद पसंद करूंगा,
तू कौन है? तू यहाँ पे काम क्यों करता? ये कैसी है? पिघली पिघली कुछ तो पिघली। अच्छी है, मैं ट्राई कर लूं। वो वाली दिखा। रे वो वाली। हाँ जी हाँ जी। क्या हुआ, चेंज करना? तू घूम जा। अरे घूमने को क्यों बोल रही है? प्यार करने वालों के बीच में सब चलते रहता है मेरी लॉलीपॉप। मुझे पता तेरे सामने चेंज करूंगी तो क्या करेगा, चल घूम। अरे कंट्रोल। राजकुमार से जीत, फिर आना मेरे पास, तुझसे शादी भी करूंगी और अपनी साड़ी भी खुद उतारूंगी। शादी के कारण का डिजाइन जबरदस्त है, पूरे गांव में बंटवा दूंगा। देखना चंदा की शादी का धूमधाम से करता हूँ। धूमधाम तो होगी, चारों तरफ ऐसी आतिशबाजी करूंगा कि साला राजकुमार जल भून के राख हो जाएगा। ये रहा इधर, आवाज उधर से। सब्जी कहाँ गए? सब्जी, सब्जी। हे, जो लेकर आया मुझे यहाँ पर, हाँ? बोल, जो लेकर आया मुझे यहाँ? क्या बोला? बेटा, क्यों लाया मुझे? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, हाँ? पट्टा क्यों निकाल रहा है? हाँ? पट्टा क्यों निकाल रहा है? तेरे हाथों मार खाने का मन कर रहा था मेरे होने वाले चाचा ससुर। ले मार। बेटा मैं? हाँ पापा, तू। तू तो उम्र में कितना छोटा। ये तो तेरे मारने का स्टाइल नहीं है। ला मैं याद दिला। ए पापा। मैं बुजुर्ग हूँ। ले
अब तुम मर। नहीं। ले पापा। ले। अगर एक कदम और आगे बढ़ाया पापा तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं इधर ही हूं। दशहरे को चंदा से शादी करने आ रहा हूं। अगर तब तक उसको इतनी भी खरों चाहिए ना तो तंदूर में डाल के सेंक दूंगा तुझे। माँ बाप नहीं है तो हाँ? मैं हूं चंदा के लिए। समझ गया। तेरे कुत्ते आ रहे तुझे सुनते हुए। साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। मत हो जा। अरे साहब जी आप थे कहां कहां नहीं ढूंढा आपको पिछले 3 घंटे से। कुछ मत पूछना साहब को आज तक इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा। देखो उनकी आंखें कितनी लाल हैं, जैसे क्षत्रिय खून टपक रहा है आंखों से। मुझे तो उनकी आंखें देख के डर लग रहा है। आओ जी बिहू जी भी कितने परेशान हो गए आपके लिए। आ, 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 आ,